अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम मिसेस शाजिया असगर फ्रॉम एलिसियम स्कूल एंड कॉलेज लोधरा। इट्स क्लास 10th एंड लेक्चर सब्जेक्ट इंग्लिश। लेट अस स्टार्ट यूनिट नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2, चाइनीज न्यू ईयर, अहले चीन का नया साल। बच्चे, जिस तरह हमारे यहाँ रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, कैसे सेलिब्रेशंस होती हैं, इस चैप्टर का मकसद ये है कि आपको ये मुतारिफ करवाया जाए कि ये दुनिया में त्यौहार कैसे होते हैं और वो किस तरह से मनाए जाते हैं। तो चाइनीज न्यू ईयर एक तो हमें ये बताएगा, जिस तरह हम चांद देख के शवाल को, यकम शवाल को ईद करते हैं, और हर साल एक ही फिक्स दिन में नहीं होता है। 31 दिसंबर को साल ख़त्म होके यकम जनवरी को नया साल शुरू जो होता है वो सोलर लिहाज से है। तो कमरी ल्यूनर, चांद देख के रोजे रखना, चांद देख के ईद करना, ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं बाकी अकवाम में भी फैशन है। चांद के मदारज चेंज होते रहते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा किस तरह से चांद के मदारज चेंज होते हैं। चांद का साइकिल छोटा होता है, जैसे हम अपने त्यौहार मनाते हैं, किसी तरह चाइना वाले भी अपना त्यौहार मनाया करते हैं, और उस त्यौहार की खूबियाँ या चीज़ें कैसे हैं, किस तरह से मनाते हैं। जैसे ईद उल फितर, ईद उल अज़हा आती है, हम नए कपड़े पहनते हैं, घर को खूब तफसीली सफाई करते हैं, तैयारियाँ करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ सेलिब्रेशन चाइना वाले नए साल के आगाज़ पे करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स और सिनोनिम्स। डियर स्टूडेंट, मैं फिर बताती चलूँ कि जितने डिफ़िकल्ट या सिनोनिम रिक्वायर्डिंग वर्ड्स होते हैं, उन सब के मीनिंग्स, सब के सिनोनिम्स यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है। आपने 8th क्लास तक बहुत सारे वर्ड्स, उनके मीनिंग्स और उसके सिनोनिम्स पढ़ रखे हैं, और काफ़ी मेच्योर हो तो जो नया वर्ड ऐड होता है आपकी वोकैबलरी में 8th क्लास के बाद 9th या 10th में आके, हम वही वाले वर्ड्स यहाँ लिखते हैं। बाकी सारे वर्ड्स एग्जिट नहीं है सिलेबस में से। किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करके उसके एमसीक्यू में उसका सिनोनिम पूछा जा सकता है, तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। उनके वर्ड्स के आपको सिनोनिम्स आने चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। बहरहाल, अगर फिर भी आपको महसूस हो कि ये जो टीचर ने वर्ड मीनिंग और सिनोनिम्स लिखे हैं, इसके अलावा भी हमें फला वर्ड का नहीं आ रहा, फला नहीं आ रहा, तो आप अपने इसी ऑनलाइन लेक्चर के ऐप के अंदर क्वायरीज में जाइए, और वहाँ पर ये चीज़ें लिख के आप हमसे पूछ सकते हो डिटेल में क्वेश्चंस भी, और अगर वहाँ नहीं तो आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। अल्लाह का नाम लेके चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो चाइनीज न्यू ईयर, चीनियों का साले नो। चाइनीज किसी जगह के बाशिंदों को उस मुल्क के लिहाज से पहचाना जाता है, जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो हमें बाहर पाकिस्तानीज कहा जाता है, तो इस तरह जो चाइना के रहने वाले हैं उन्हें चाइनीज कहा जाता है। चाइनीज न्यू ईयर, चीनी साले नो, न्यू ईयर नया साल, चाइनीज अहले चीन का या चीनी साले नो, चीनियों का नया साल। वर्ड मीनिंग है, सबसे पहले है सेलिब्रेट करना, मनाना। जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, इवेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, इसका मतलब है हम जश्न मनाते हैं, और इसका सिनोनिम है ऑब्जर्व करना, मनाना, ऑनर देना, मार्क करना यानी उसको हाईलाइट करना। ल्यूनर, चांद से मुतल्लिक, कमरी, कमर चांद को कहते हैं, चांद का, ऑफ द मून, चांद का, कॉज बाय द मून या लिंक्ड एसोसिएटेड विद मून, चांद से मुतल्लिक, चांद का महीना, चांद का उतरना, चौदहवीं का चांद या पंद्रहवीं का चांद या हलाल या बदर, चांद से मुतल्लिक जितना कुछ है उसे हम ल्यूनर कहेंगे। सिंबॉलिक, सिंबल कहते हैं अलामत को, सिंबॉलिक है अलामती। रिप्रेजेंटेटिव, इलस्ट्रेटिव, वो चीज़ जो रिप्रेजेंट करती है, जो इलस्ट्रेट करती है उसे हम कहते हैं वो सिंबॉलिक होती है। नेक्स्ट इज द डिस्प्ले, वर्ब है नुमाइश या दिखावा करना, शो करना, एग्जिबिट करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, उसके कहते हैं डिस्प्ले करना। फेस्टिव, फेस्टिविटी कहते हैं खुशी को, फेस्टिव है मुसरत बख्श, खुशी देने वाला, जॉयफुल, ऐसी चीज़ जो आपको इंजॉय करवाए, चीयरफुल, डिलाइटफुल, और मैरी, ई वाला मैरी है, ए वाला मैरे नहीं है। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल, रिवायती, कस्टमरी है, यूजुअल है, कन्वेंशनल है। नेक्स्ट इज फेज, फेज कहते हैं कंडीशन, हालत, दर्जे को, तो इसे कहते हैं मदारज, स्टेज, पीरियड और द टाइम। वर्ड ऑफ, वर्ड ऑफ का मतलब होता है टाल देना, दूर भगा देना, रोक देना, अवॉइड करना, टर्न अवे करना, प्रिवेंट करना, स्टॉप करना या रोकना, चेक करना। ये तो थे वो नए वर्ड्स जो 9th तक में आपने नहीं पढ़े थे, या पढ़े थे तो डिटेल में उनके सिनोनिम्स की नहीं किए थे। अब हम चलते हैं इस चैप्टर की ट्रांसलेशन पे। तो चाइनीज न्यू ईयर, चीनियों का साले नौ, इज अ हॉलीडे, छुट्टी है, दैट सेलिब्रेट, जो मनाती है, द बिगनिंग, आगाज या शुरू करना, ऑफ द न्यू ईयर, नए साल का, अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक।
चाइनीज ल्यूनर कैलेंडर चीनी कमरी महीने या कैलेंडर के मुताबिक चीनी सालेनो एक ऐसी छुट्टी है जो चीनी कमरी महीने के मुताबिक साल के आगाज के जश्न को मनाती है। ऐसी छुट्टी जो चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक साल के नए दिन को या नए साल के पहले दिन को मनाती, क्या जश्न मनाती है? इट इज कंसिडर्ड, ये समझा जाता है कौन सा नए साल का दिन टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज, अहम तरीन छुट्टियों में से एक छुट्टी समझी जाती है फॉर द चाइनीज फैमिलीज, किसके लिए? चीनी खानदानों के लिए। ये दिन चीनी खानदानों के अहम तरीन त्योहारों में से एक त्योहार या एक दिन समझा जाता है। द हॉलीडे, ये छुट्टी सेलिब्रेटेड, मनाई जाती है विद द फैमिली गैदरिंग, खानदानी इज्तिमाआत के साथ, खानदान के इकट्ठे होने के साथ, गिफ्ट गिविंग, तहाइफ के तबादले के साथ, ईटिंग ऑफ द सिम्बॉलिक फूड, अलामती गिजाएं खाने से, एंड डिस्प्ले ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशन, रायशो जिबाइश, डेकोरेशन फेस्टिव खुशी से भरी हुई, और ये मुसर्रत बख्श रायशो जिबाइश के साथ ये दिन मनाया जाता है। ये दिन, ये छुट्टी बड़े बड़े खानदानी इज्तिमाआत, तहाइफ के तबादले, अलामती गजाएं खाने और मुसर्रत बख्श आरायशो जिबाइश के साथ मनाया जाता है। आल फोकस्ड ऑन, इस सब का महवर मरकज यानी किसका? खानदानी इज्तिमाआत का, अलामती खाने खाने का, डेकोरेशन करने का, ठीक है। इन सब का मकसद क्या है? ब्रिंगिंग द गुड लक फॉर द न्यू ईयर, नए साल की खुशकिस्मती लाना है। चीनियों का यह अकीदा है कि अगर हम इस दिन को इस जोश व खरोश से मनाएंगे तो नए साल की खुशकिस्मती आएगी, एंड सेलिब्रेटिंग, और ये मनाते हैं कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बहार की आमद। ये छुट्टी, ये नया दिन, ये दिन, ये छुट्टी बड़े बड़े खानदानी इज्तिमाआत, तहाइफ के तबादले, अलामती गिजाएं खाने और मुसर्रत बख्श आरायशो ज़िबाइश से मनाया जाता है, और इस सब कुछ का महवर नए साल की खुशकिस्मती लाना और बहार की आमद को मनाना होता है। इन चाइना, चीन में ल्यूनर कैलेंडर कमरी महीना स्टिल यूज्ड, अभी भी इस्तेमाल होता है टू डिटरमिन, किस लिए? ये फैसला करने के लिए, जानने के लिए, ट्रेडिशनल हॉलीडेज, रिवायती छुट्टियाँ लाइक चाइनी न्यू ईयर, चीनी साले नौ के जैसी। चाइना में अभी भी चीनी साले नौ जैसी रिवायती छुट्टियों का तयन करने के लिए कमरी कैलेंडर इस्तेमाल होता है। जैसे हम भी ईस्वी कैलेंडर के साथ चलते हैं, साल का आगाज करते हैं, अख्ताम करते हैं, दिसंबर की छुट्टियां करते हैं, विंटर समर वेकेशन सारी हम ल्यूनर महीने से नहीं करते, हम सोलर मंथ कैलेंडर से मुताबिक करते हैं। लेकिन ईद है, रमज़ान का आगाज़, ईदुलफ़ितर, ईदुलज़ा, हज, इस सब का तयन हमारे यहाँ भी अभी तक ल्यूनर कैलेंडर से होता है। तो चीन में चीनी साले नौ जैसी रिवायती छुट्टियों के तयन करने के लिए अभी भी कमरी कैलेंडर इस्तेमाल होता है। सिंस द ल्यूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन फेजेस ऑफ द मून, चूंकि कमरी कैलेंडर चांद के मदारज पर है, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल देन द सन, चांद के मदारज का चक्कर, साइकिल कहते हैं चक्कर को, चांद के मदारज का चक्कर सूरज के चक्कर की निस्बत छोटा होता है। सूरज का जो ईस्वी महीना है वो 31 का भी होता है, जबकि चांद का महीना जो है 29 और 30 का होता है, ईस्वी 30 और 31 का होता है। इसलिए जो ल्यूनर मंथ है उसके स्टेजेस जो है चांद के हिसाब से चेंज होती है, तो उसके चक्कर ल्यूनर का छोटा होता है क्योंकि उसके साल के दिन फर्क होते हैं। तो कहते हैं चूँकि कमरी कैलेंडर चांद के मदारज पर मुनहसर होता है और चांद के मदारज का चक्कर सूरज की निस्बत छोटा होता है, चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, पहले चीन का नया साल कभी भी हर साल एक फिक्स दिन पर नहीं होता, बट टिपिकली फॉल समवेयर बिटवीन जनवरी 21st एंड फरवरी 20th, बल्कि ये खास तौर पर चीनी साले नौ 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान में कहीं आता है, हर साल 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान में आता है। चूँकि चीनी अहले चीन का नया साल कमरी कैलेंडर पर, कमरी कैलेंडर में चांद के मदारिस पर मुनहसर है
जिस क्या चक्कर, यानी चांद के मदारज का चक्कर, सूरज के चक्कर जिसमें मुख्तसिर होता है, पहले चीन का नया साल कभी भी हर साल एक मुकर्रा दिन पर नहीं होता, बल्कि ये 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान में कहीं आता है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट फॉर अ मंथ, दर हकीकत ये तकरीबात एक महीने तक जारी रहती हैं, एक दिन नहीं है, पूरे एक महीने तक इस तकरीबात किसकी साले नौ की जारी रहती हैं। अब साले नौ की तकरीबात में बड़ी अहम चीज़ घरों की सफाई और नया लिबास पहनना। जैसे अभी अभी आप ऑब्जर्व करके हटे हैं कि रमज़ान शरीफ के दौरान में तफसीलन सफाई की जाती है ईद के मौके के लिए, और हम ईद के लिए नए नए लिबास भी बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह क्लीनिंग हाउसेज, क्लीनिंग ऑफ द हाउसेज एंड वेयरिंग द न्यू ड्रेसेस, घरों की सफाई करना और नए मलबूसात पहनना। एक चीज़ मैं बताती चलूँ, हम मुसलमानों में तकदीर अच्छी है या बुरी है अल्लाह की तरफ से लिखी गई है, और हम हर चीज़ पे अल्लाह की तरफ से बिलीव करते हैं, हम तोहमात नहीं करते। जबकि चाइनीज़ बहुत तोहम परस्त कौम है, तो इनका घर को साफ करना और नए लिबास पहनने का मकसद कुछ और होता है। पढ़ते हैं प्रायर टू, किसी से कबल, किसी से पहले, द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, साले नौ के पहले दिन से पहले, इट इज़ कस्टमरी, रिवाज है फॉर द फैमिलीज, खानदानों में, टू थॉरो क्लीन देयर हाउसेज, की अपने घरों की मुकम्मल सफाई करते हैं। नए साल के साले नौ के पहले दिन से पहले खानदानों में रिवाज है कि घरों की मुकम्मल सफाई की जाए। डूइंग दिस, ऐसा करना, इज सेड टू बी, कहा जाता है कि ऐसा करना इज टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, जो साल खत्म हो रहा है। कहा जाता है कि ऐसे करने से, घरों की मुकम्मल सफाई करने से पिछले, एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार करना है, टू एक्सेप्ट, वो कबूल कर ले गुड लक, खुशबख्ती ऑफ द कमिंग ईयर, आने वाले साल की। कहा जाता है ऐसा करने से पिछले साल की तमाम बदबख्ती को घर से साफ करना है और घर को आने वाले साल की खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए तैयार करना है। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश बिफोर द न्यू ईयर्स डे, तमाम तर सफाई साले नौ के दिन से पहले मुकम्मल हो जानी चाहिए। सो दैट देर इज नो चांस, ताकि कोई इम्कान ही बाकी ना रहे ऑफ एक्सीडेंटली के हादसाती तौर पर थ्रोइंग आउट, बाहर फेंकने का। गुड फॉर्चून, खुशकिस्मती ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की, ताकि ऐसा करने से, ताकि नए साल की खुशकिस्मती को हादसाती तौर पर बाहर फेंकने का इम्कान ना रहे। वेयरिंग ब्लैक इज नॉट अलाउड ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद मौत, विद डेथ, मौत के साथ ताल्लुक रखने के बायस सिया रंग पहनने की हौसला शिकनी की जाती है, इजाज़त नहीं दी जाती। मौत से मुंसलिक होने के बायस सिया रंग पहनने की इजाज़त नहीं है, और ताहम वेयरिंग रेड इज इनकरेज, सुर्ख रंग पहनने का हौसला अफजाई की जाती है। क्यों? एज द कलर इज एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट, क्योंकि सुर्ख रंग बदरूहों को भगाने से ताल्लुक रखता है। मौत से मुंसलिक होने के बाद स्याह रंग पहनने की इजाज़त नहीं है, जबकि सुर्ख रंग पहनने की हौसला अफजाई की जाती है, क्योंकि ये रंग बदरूहों को भगाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक बार वहाँ मुहावरा तर्जमा गौर से सुनिएगा, और वहाँ मुहावरा ही आपको लिखना है। द चाइनीज न्यू ईयर इज अ हॉलीडे दैट सेलिब्रेट्स द बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू द चाइनीज ल्यूनर कैलेंडर, अहले चीन का नया साल या चाइनी का साल नौ एक छुट्टी है जिसको चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल का आगाज के तौर पर मनाया जाता है। चीनियों का साल नौ एक छुट्टी है जिसे चीनी कमरी कैलेंडर के लिहाज से नए साल के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज फॉर चाइनीज फैमिली, चीनी खानदानों के अहम तरीन छुट्टियों में से ये एक छुट्टी मानी जाती है। द हॉलीडे सेलिब्रेटेड विद फैमिली गैदरिंग, गिफ्ट गिविंग, ईटिंग ऑफ सिंबलिक फूड एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशन, ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग द गुड लक फॉर द न्यू ईयर एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ द स्प्रिंग। इस छुट्टी को बड़े बड़े खानदानी इज्तमात के साथ तहाइफ के तबादले करने, अलामती गजाएँ खाने और पुरमसरत असाइश जीबाइश के साथ मनाया जाता है, और इस सब तकरीबात का महवर नए साल की खुशकिस्मती लाना और बहार की आगाज को, बहार की आमद को मनाना होता है। इन चाइना ल्यूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड टू डिटरमाइन ट्रेडिशनल हॉलीडेज लाइक चाइनीज न्यू ईयर,
चीन में साले चीनी न साले नौ जैसे अहम रिवायती छुट्टियों के तयन के लिए अभी भी चीनी कमरी कैलेंडर इस्तेमाल होता है। सिंस द लूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, चूंकि कमरी कैलेंडर का इन्हसार चांद के मदारिस पर होता है, विच हैज शॉर्टर साइकिल देन द सन, जिसका चक्कर सूरज के चक्कर की निस्बत मुख्तसर या छोटा होता है। चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, पहले चीन का नया साल हर साल नए साल का पहला दिन हर साल एक ही दिन नहीं होता, बट टिपिकली फॉल समवेयर बिटवीन जनवरी 21st एंड फरवरी 20th, और ये चीनियों का नए साल का पहला दिन 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान में होता है। सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट फॉर अ मंथ, दर हकीकत तकरीबात एक महीने तक जारी रह सकती हैं। क्लीनिंग ऑफ हाउसेज एंड वेयरिंग द न्यू ड्रेसेज, घरों की सफाई करना और नए मलबूसात पहनना। Prior to the first day of the new year, it is customary for the families to thorough clean their houses. नए साल के पहले दिन, साले नौ के पहले दिन से कबल ही तमाम खानदानों में यह रवाज है कि घरों को मुकम्मल साफ किया जाए। Doing this is said to clean out the bad luck from the previous year and to bring get the house ready to accept gift the good luck for the coming year. कहा जाता है कि ऐसा करने से सबका साल की सारी बदकिस्मती को घर से साफ कर दिया जाता है और घर को नए साल की खुशकिस्मती कबूल करने के काबिल बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फर्स्ट डन बिफोर द न्यू ईयर्स डे, सो देयर इज नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर। तमाम तर सफाई साले नौ के दिन से पहले मुकम्मल हो जानी चाहिए ताकि हादसाती तौर पर नए साल की खुशकिस्मती घर से बाहर फेंकने का इम्कान ना रहे। Wearing black is not as encouraged, associated, not allowed association with its death. However, the wearing of red is encouraged as the color is associated with warding of the bad spirit. मौत से मुंसलिक होने के बायस स्याह लिबास पहनने की इजाज़त नहीं है, जबकि सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि ये रंग बद रूहों को भगाने के लिए साथ मुंसलिक होता है। थैंक यू।